गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो डेप्रिसिएशन 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 बहुत लंबा कंसेप्ट है ये. आज कंप्लीट हो जाएगा आपका. मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन करने के लिए कहा था, आपने किया तो होगा नहीं. पेज 276 क्वेश्चन 20 का पार्ट 4. एक्स लिमिटेड वॉज अमलगमेटेड विद वाई लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 29th August 2021. द डब्ल्यूटीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑन 1st April 2021, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ब्लॉक एंड द वैल्यूज एट विच block of assets were transferred by X to Y Limited are given as under: building, plant machinery, furniture. ये opening WDV है और ये आपका transfer price है, sale price. You are required to work out deductions admissible under section 32 by way of depreciation of X Limited, Y Limited in respect of each of these assets for the financial year 21-22 relevant to assessment year 22-23, it may be noted that amalgamation is as per the Income Tax Act. तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपको कैप गेंस निकालने के लिए नहीं कहा गया है, बट हम निकाल लेते हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. लिखिए पेज 276. एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सिर्फ एक कंसेप्ट कवर करा रहा हूं आपको. इफ वाई लिमिटेड इज इंडियन कंपनी, कैप गेन्स अंडर सेक्शन 50 हो जाएंगे मेरे. नाइन प्लस 24 33 और 4 37 50 और ओपनिंग WDV है मेरी 40 लाख. तो कैप गेंस आ गया आपके सेक्शन 250 में, शॉर्ट टर्म कैप गेंस -250. इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज दीज आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47 एंड देयरफॉर नो टैक्स ट्रीटमेंट. अगर वाई लिमिटेड फॉरेन कंपनी होती तो शॉर्ट टर्म कैप गेन्स ऑफ -250 विल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय Y Limited. So, amalgamation के केस में losses amalgamated कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर जाती है. तो देखिए आंसर, देखिए डेप्रिसिएशन निकाली जाए allowable उसके बाद इस डेप्रिसिएशन को अपोर्शन कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज एंड दिस इज द WDV इन द हैंड्स ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1st April 2022. अगर वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी नहीं है देन एक्सप्लेनेशन 2 टू 43(6) विल नॉट अप्लाई.
इट मे बी नोटेड एट फिफ्थ प्रोविजन टू 32(1) जो अपोर्शनमेंट होता है विल बी एप्लीकेबल वेदर और नॉट वाई लिमिटेड इज अ फॉरन कंपनी. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये. कॉन्सिक्वेंटली वाई लिमिटेड इज अ फॉरन कंपनी द डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू एक्स एंड वाई फॉर असेसमेंट इन 22-23 विल बी द सेम एज अबव. लेकिन अगले साल में हम क्या करेंगे, ब्लॉक में क्या ऐड करेंगे, 9 लाख, 24 लाख एंड 450. क्योंकि यहां पर एक्सप्लेनेशन 2-43(6) तब लगती है जब वाई लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी. तो वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी ही नहीं है तो जो एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस है वो ही लिया जाएगा. पेज 75 पर आइए. अगर आप टी, कॉफी, रबर ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करके फिर टी, कॉफी, रबर मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बेचते हैं, तो आपकी पार्टली इनकम एग्रीकल्चर है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर है. ये बाद में करेंगे, अभी कुछ रूल्स करते हैं. पेज 77 पर आइए. रबर, रबर क्या होता है, रबर के ट्रीज उगाए जाते हैं. रबर के ट्रीज उगाए जाते हैं, फिर उन ट्रीज में छेक करके एक जूस निकाला जाता है, लेटेक्स. उस ट्रीज में छेक करके मतलब एक कटिंग करके जूस निकालते हैं लेटेक्स, और उस जूस को प्रोसेस करके रबड़ बनता है जिससे आपके टायर वगैरह बनते हैं. अब असेसी क्या है, इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, यानी रबर ट्रीज उगा रहा है, उसमें से लेटेक्स निकाल रहा है, उसे रबड़ बना रहा है और फिर बेच रहा है. तो लॉ कहेगा कि पार्टली इनकम आपकी एग्रीकल्चर है जो एग्जेम्प्ट है और पार्टली टैक्सेबल है अंडर द हेड पीजीबी. तो लॉ कहेगा कि क्या करिए, आप इनकम निकालिए ये प्रिज्यूम करते हुए कि सारी इनकम टैक्सेबल है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल इनकम निकालिए एज पर द चैप्टर ऑफ पीजीएपी, डेप्रिसिएशन सेक्शन 36-37 सब कुछ दे दीजिए. और उसके बाद क्या करिए, आप जो कंपोजिट इनकम निकाली आपने ये एज्यूम करते हुए कि पूरी इनकम टैक्सेबल है, उसका 35% इनकम टैक्सेबल है, 65% एग्रीकल्चरल इनकम है जो एग्जेम्प्ट है. इसमें सिर्फ बोल्ड पोर्शन पढ़िए, रूल 7A ऑन पेज 77, सिर्फ बोल्ड पोर्शन पढ़ेंगे आप. इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ व्हाट, रबर्स मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम फील्ड लेटेक्स. लेटेक्स निकाला जाता है रबर ट्री से, उससे रबड़ बनता है. ऑब्टेन फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस. सो पहले तो आप पूरे बिजनेस की इनकम निकालिए ये मानते हुए कि पूरी इनकम टैक्सेबल है, सारी डिडक्शंस 28-44(d) सब दे दीजिए, और फिर 35% ऑफ सच इनकम इज लायबल टू टैक्स, 65% ऑफ सच इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. नेक्स्ट रूल 7B, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी. जो आपके घरों में नेस्कैफे आती है वो पता कैसे बनती है, पहले कॉफी की सीड्स उगाई जाती है, कॉफी की
सीड्स उगाई जाती हैं, जब वो उगाई जाती है मतलब उग गई, ठीक है, उसके बाद उनकी क्यूरिंग होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे क्यूरिंग बोलते हैं, यानी कुछ सिस्टम्स में रख के उसकी क्यूरिंग की जाती है और फिर उसको रोस्ट किया जाता है, फिर उसे रोस्ट किया जाता है। आप नॉर्मल कॉफी कभी पी नहीं सकते, इतनी बिटर होती है, कड़वी होती है, तो उसमें फिर मिलाए जाते हैं दिस फ्लेवरिंग एजेंट्स, चिकोरी वगैरह, जिससे कॉफी का टेस्ट आप बियर कर सके। सो अगर आप सिर्फ कॉफी ग्रो करके क्योरिंग कर रहे हैं, क्योरिंग करने के बाद बेच देते हैं, इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो आप नॉर्मल इनकम निकालिए यह मानते हुए कि दिस इज अ कंपोजिट बिजनेस, शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस, 25% ऑफ सच इनकम इज लायबल टू टैक्स एंड 75% इज एग्जेम्प्ट। आप अगर कभी सीसीडी में जाएं या स्टारबक्स में जाएं तो वहां आपको कॉफी की सीड्स मिलती हैं, वो होती है क्योरिंग करने के बाद, क्योरिंग करने के बाद। जो आपके घरों में नेस्कैफे आती है वो होती है इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी, चिकोरी होता है एक फ्लेवरिंग एजेंट, और एनी अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम द बिजनेस एंड 40% ऑफ सच इनकम शैल बी इनकम लायबल टू टैक्स, 60% ऑफ द इनकम विल बी एग्जेम्प्ट। तो यहां देखिए 75% या 60%, बिकॉज यहां पर आप ज्यादा प्रोसेसेस कर रहे हैं। अगर सिर्फ कॉफी की क्योरिंग करके बेच रहे हैं तो 25% ऑफ द कंपोजिट इनकम इज टैक्सेबल, और अगर आप क्योरिंग के बाद रोस्टिंग ग्राउंडिंग चिकोरी मिक्स करके बेच रहे हैं देन 40% ऑफ द इनकम इज टैक्सेबल। इसी तरह टी होती है, टी लीव्स उगाई जाती है, उनको तोड़ा जाता है, उनको तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर मशीन्स पर उनको ड्राई करते हैं, उनको मतलब हीटिंग करते हैं, सो बड़े सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलते हैं उसके बाद, और फिर जो आपके घर में ब्रूक बॉन्ड ताजमहल टी आती है वो बनती है। तो यहां पर 40% इनकम टैक्सेबल होगी और 60% एग्जेम्प्ट होगी। सो यहां पर भी ये मानेंगे ये हमारा कंपोजिट बिजनेस है, पहले नॉर्मल इनकम निकाल लीजिए एज पर 28 to 40 उसके बाद 40% इज टैक्सेबल, 60% इज एग्जेम्प्ट। इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया शैल बी कंप्यूटेड एज इफ इट वर इनकम डिराइव फ्रॉम द बिजनेस एंड 40% ऑफ इनकम शैल बी लायबल टू टैक्स एंड 60% इज एग्जेम्प्ट। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टी बुशेस को प्लांट मशीनरी नहीं मानते, बिकॉज लॉ कहता है कि जब आप ये इनकम निकालेंगे रूल 8 में, तो जो भी आपने टी बुशेस प्लांट की हैं उसको हम एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, जो टी बुशेस आपने प्लांट की हैं उनको हम एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, एंड देयरफॉर टी बुशेस को हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानते। ये चैप्टर से इतना ही करेंगे अभी। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, जब पास या क्वेश्चंस करेंगे मिलेगा आपको, कि एक लेडी है टी लीव्स उगाती है, ग्रो करती है, उसके बाद उनको ड्राई करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके टी बेचती है और उससे उसको 400,000 की इनकम आती है। आपसे पूछा गया कि इज दिस लेडी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, तो देखिए टी के केस में सिर्फ 40% इनकम पीसी मानी जाती है, तो इनकम हो गई 1,60,000, टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम।
सो रिटर्न ऑफ इनकम आपको तब फाइल करनी होती है अगर इनकम एक्सीड्स द टैक्सेबल लिमिट। एक जब क्वेश्चंस करेंगे आपको एक एडजस्टमेंट मिलेगी कि असेसी क्या करता है, टी गार्डन से टी लीव्स तोड़ता है, प्लक करता है और उनको मार्केट में बेच देता है और उससे उसे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। बताइए रूल 8 लगाकर 40-60 करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। बिकॉज अगर टी लीव्स प्लग करके आप बेच रहे हैं तो इट्स एग्रीकल्चरल इनकम, इट्स प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम। फिर तो कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा आपको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये काम करिए, आप जब ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे ना तो इसमें पेज 256 पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको बनाया हुआ है। ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, अभी नहीं कर पाएंगे। पेज 262 पर पॉइंट नंबर 51 लिखिएगा। If assessee plucks, plucks मतलब तोड़ता है, tea leaves and sell in the market then the entire income is agricultural income exempt under section 10, rule 8 आपका अप्लाई नहीं करेगा। एक बात और बताइए, कुछ इश्यूज करा रहा हूं आपको जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपका वैकेंट लैंड है यानी बिल्डिंग नहीं बनी हुई, उसे आप किराए पर दे देते हैं, पार्किंग के वाले को किराए पर दे दिया आपने या किसी भी पर्पस के किराए पर दे दिया लैंड, तो जो उससे इनकम आएगी क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? नो, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी तो है ही नहीं वहां पर। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है तो 30% डिडक्शन मिलती है। सो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड is taxable as income from other sources. So vacant land अगर आप किराए पर देते हैं तो उससे जो rent आएगा that is taxable as income from other sources. It is not taxable as income from house property. फिफ्टी थर्ड पॉइंट लिखिएगा, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन लैंड। सो लैंड पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली बताता हूं एक बात आपको, एक बिल्डिंग है इसमें 100 फ्लैट्स है, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया ये वाला 2 करोड़ रुपए का, तो क्या एओ यहां पर बिल्डिंग की कॉस्ट अलग करेगा, लैंड की कॉस्ट अलग करेगा? यस। आप कभी भी देखिएगा जब आप फ्लैट खरीदते हैं, सपोज इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा, जो आपका सेल एग्रीमेंट होगा सेलर आपको क्या बेचेगा? एक तो फ्लैट बेचेगा सुपरस्ट्रक्चर एंड 1/100th ऑफ लैंड बेचेगा। तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना होता है, अगर असेसी क्लाइंट आपका फ्लैट खरीदता है
तो उसके पेपर्स लीजिए, उसमें लैंड की वैल्यू अलग करिए, चाहे 1/100 आपका राइट है लैंड में उसकी वैल्यू अलग निकालिए, बिल्डिंग की वैल्यू, सुपरस्ट्रक्चर की वैल्यू अलग निकालिए, डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड ऑन लैंड। आप कहेंगे मैं कैसे करूंगा, ये आप किसी भी आर्किटेक्ट को पकड़ लीजिए, वैल्यूअर को पकड़ लीजिए, वो आपको वैल्यूएशन करके दे देगा। सो लिखिएगा नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन लैंड। इफ अ फ्लैट इज परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन परचेज प्राइस ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, एंड डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, कम टू पेज 58, कम टू पेज 58, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवररूल किया गया। अभी पढ़ेंगे हम एक्सप्लेनेशन 7 पढ़ने वाले, अभी थोड़ी देर में हम 2436 WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, इसे लाया गया टू नलिफाई अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस डूम डूमा इंडिया लिमिटेड। इस केस में क्या था, असेसी कंपनी जो थी, इट वॉज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द इनकम वॉज कंप्यूटेड एज अंडर कंपोजिट इनकम from growing manufacturing of tea in India before depreciation is 3000 lakhs. And let's say, जो WDV है block की वो है 1000 lakh, उस पर 15% depreciation 150 lakh. Composite income again to 850 lakh after depreciation. So 3000 is before depreciation composite income. Depreciation है मेरा 150 lakh, 2850 is the composite income. अब इसका 40% taxable है, 60% exempt है, 40% कितना हो गया, 2850 इंटू 0.4, सो 1140 मेरी टैक्सेबल इनकम है और 1710 मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है। अब इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने यह उठा कि नेक्स्ट ईयर की WDV क्या लेंगे आप। मेरी WDV थी 1000 एक्चुअल कॉस्ट, क्या उसमें से 150 माइनस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 43(6) कहता है आप लेस करते हैं फ्रॉम क्लोजिंग WDV, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसे इस तरह देखते हैं, 3000 में टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, सो 40% टैक्सेबल है, 60% एग्जेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन में ऐसे निकालेंगे ना 15 चौक 60, ये और 90, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड इज 60 लाख, एंड देयरफॉर एज पर सुप्रीम कोर्ट द डब्ल्यूडीबी फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी टेकन एज 1000 माइनस 60, जबकि रेवेन्यू कह रहा था इट शुड बी 1000 माइनस 150। देखिए इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, एंड देयरफॉर ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओवररूल की गई और कहा गया कि अगर कंपोजिट बिजनेस है आपका तो हम डेप्रिसिएशन एक्चुअल अलाउड 150 लेंगे, ना कि अपोर्शन करके। आगे पढ़िए, सो 2850 में से 40% मेरी टैक्सेबल इनकम है, 60% मेरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज वेदर इन केस वेयर रूल 8 अप्लाइज, द इनकम विच इज ब्रॉट टू टैक्स एज बिजनेस इनकम इज ओनली 40% ऑफ द कंपोजिट बिजनेस, ओनली 40% ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड एट द प्रिस्क्राइब्ड डेट इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन अकाउंट इन कंप्यूटिंग द डब्ल्यूटीबी ब्लॉक ऑफ एसेट, बिकॉज दैट इज द डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। Supreme Court held that where Rule 8 applies, the income which is brought to tax as business income is only 40% of the composite income, and therefore proportionate depreciation required to be taken into account because that is the depreciation actually allowed as per Supreme Court. Therefore, WDV as per Supreme Court will be 1000 minus 60 lakh. Or explanation 7 lai gai, इस जजमेंट को नलिफाई करने के लिए प्रोवाइड किया गया कि हम 1000 में से 150 माइनस करेंगे। प्लीज सी द प्रीवियस पेज, एक्सप्लेनेशन 7 टू सेक्शन 43(6). 43(6) क्या होता है? डब्ल्यूडीवी फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, दिस क्लॉज मतलब डब्ल्यूडीवी, where the income of assess is derived in part from agriculture, part from business, chargeable to income tax under the head profits and gains of business profession, yani rule 77A8 lag rahe hai, for the purpose of the WDV, this clause, where income of an assess is derived in part from agriculture, and part from business, chargeable to income tax under the head PGBP, for computing WDV of block of assets acquired during the previous year, before the previous year, the total amount of depreciation shall be computed as if the entire income is derived from business of the assessee under the head PGBP. You can have depreciation less karne ke liye manenge कि पूरा इनकम कंपोजिट बिजनेस के टैक्सेबल है। सो फॉर कंप्यूटिंग द डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर द प्रीवियस ईयर, द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द एंटायर इनकम इज डिराइव फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द असेसी अंडर द हेड पीजीबीपी, एंड द डेप्रिसिएशन सो कंप्यूटेड शैल बी डीम्ड टू बी डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द असेसी, एंड देयरफॉर हम ब्लॉक से कम करेंगे 150 लाख एंड नॉट 60 लाख व्हाट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। ओके, पेज 59, जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो सेक्शन 72 में करते हैं।
जो डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होती है वो 32 में होती है। बिजनेस लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हम, बिजनेस लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हम। सो बिजनेस लॉस अलग कैरी फॉरवर्ड होता है, डेप्रिसिएशन अलग कैरी फॉरवर्ड होती है। बताइए करंट ईयर डेप्रिसिएशन आप किस हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, पहले पीजीपी के अगेंस्ट? अगर बिजनेस इनकम सफिशिएंट नहीं है, कैन यू सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स? यस यू कैन। कैन यू सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम? यस। सो डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है, अगर अनएब्जॉर्ब्ड है करंट ईयर में, आप किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। इवन सैलरी के अगेंस्ट भी सेट ऑफ हो सकता है। जो आपने आईपीसी से पढ़ा तो वो तो बिजनेस लॉस सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। जो बिजनेस लॉस है वो सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इवन सैलरी। पेज 59, सेक्शन 32(2) डील करता है विद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो देखिए, अगर मेरे पीजीबीपी बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहे हैं 10 लाख और डेप्रिसिएशन है 16 लाख की, तो हम डेप्रिसिएशन इतनी कम करेंगे कि इनकम निल हो जाए। बाकी जो मेरी 6 लाख की डेप्रिसिएशन बची उसे अब मैं दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूं, और अगर दूसरे हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज दूसरे हेड में इनकम नहीं है, कम है, तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड करें। सो करंट ईयर डेप्रिसिएशन पहले आप सेट ऑफ करेंगे पीजीपी, और अगर पीजीपी भी इनसफिशिएंट है तो आप किसी भी हेड के अगेंस्ट कर सकते हैं। द करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर एनी असेसमेंट ईयर shall be set off against the profits and gains of any business profession carried on by the assessee assessable for that assessment year. Pale against PGP and the balance if any against income under any head assessable for that assessment year, therefore it can be set off against cap gains, house property, other sources and even salaries. जो आपने आईपीसी से पढ़ा होगा वो था कि बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। अगर करंट ईयर में इनकम्स इनसफिशिएंट है तो डेप्रिसिएशन आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, और अगले साल सेट ऑफ करेंगे फर्स्ट अगेंस्ट पीजीबीपी एंड देन अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम, देन अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम। डेप्रिसिएशन आप कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? इनडेफिनेटली। डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस प्रोफेशन ऑफ द असेसी इन द नेक्स्ट ईयर एंड द बैलेंस इफ एनी अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड, that means it can be set up against cap gains, salary, house property, income from other sources. पहले कभी लॉ हुआ करता था कि बिजनेस बंद कर दिया आपने तो डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। ये लॉ चेंज किया गया और लॉ में प्रोवाइड किया गया कि बिजनेस अगर बंद भी हो गया है, आपने पहले बिजनेस कर रहे थे बंद कर दिया, अब इंप्लॉयमेंट कर ली, तो भी डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। पॉइंट 3 देखिएगा, द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। पहली बात, डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। डेप्रिसिएशन शैल बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ बिजनेस प्रोफेशन हैज बीन डिसकंटिन्यूड।
पॉइंट फोर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ। आप पहले सेट ऑफ करते हैं करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर आप सेट ऑफ करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और उसके बाद सेट ऑफ करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था। एक बड़ी फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मैं नाम लिखवा नहीं रहा आपको, बट इट इज मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन, मदर इंडिया रेफ्रिजरेशन, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ ये होगी, पहले आप सेट ऑफ करेंगे करंट डेप्रिसिएशन, देन ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था कि असेसेस डेप्रिसिएशन ना क्लेम करके टैक्स प्लानिंग कर जाते थे, इसलिए लॉ मेकर्स ने डेप्रिसिएशन मैंडेटरी किया। देखिए क्या है, मेरे पीजीबीपी बिफोर डेप्रिसिएशन है 20 लाख, मेरी करंट डेप्रिसिएशन है 20 लाख, और मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है लेट्स अगेन 20 लाख, और ये लास्ट ईयर है कैरी फॉरवर्ड करने का। सो बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन इनडेफिनिट कैरी फॉरवर्ड होती है। अब देखिए, असेसी को पहले ये सेट ऑफ करना पड़ेगा, और ये सेट ऑफ कर लिए तो इनकम नहीं लोगी, ये लॉस लैप्स कर जाएगा। तो असेसी क्या प्लानिंग करता था, कहता था मैं डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं कर रहा, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहा, और अगर क्लेम नहीं कर रहा तो मेरा WDV ब्लॉक रिड्यूस नहीं होगा, और ये ना क्लेम करके लॉसेस सेट ऑफ कर जाता था। एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स ने कहा कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। बताइए, हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में सेक्शन 80 पढ़ेंगे, सेक्शन 139(3) पढ़ेंगे, जो कहता है कि अगर रिटर्न लेट फाइल करते आप, रिटर्न लेट फाइल करते आप, तो कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो सेक्शन 80 और 139(3) कहते हैं कि कोई भी रिटर्न आप लेट फाइल करेंगे तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब इशू उठता है कि मैंने रिटर्न लेट फाइल की, क्या मेरा डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? यस। सो कोर्ट्स ने कंसिस्टेंट व्यू लिया कि ये लॉ लगता है लॉसेस पर, और डेप्रिसिएशन लॉसेस का पार्ट नहीं होती है। सो कोर्ट ने कहा डेप्रिसिएशन विल बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। बिकॉज कोर्ट्स ने कहा कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन सेक्शन 80 जो लॉसेस का चैप्टर होता है उससे गवर्न नहीं है। सेट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गवर्न बाय सेक्शन 80 बट इज गवर्न बाय सेक्शन 32(2) और सेक्शन 32(2) में कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। देयरफॉर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द टाइम प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(1). इस पर केस लो है पॉइंट नंबर 6। कैन अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड इन केस द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। इन दिस केस द दिल्ली हाईकोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80
एंड 1393 ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में, रिक्वायरिंग द रिटर्न ऑफ इनकम क्लेमिंग लॉस टू बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अप्लाइज टू इंटर एलिया कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड नॉट फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32(2) द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बिकम्स पार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एंड इज अलाउड टू बी सेट ऑफ एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर the return of income of earlier was filed by the due date or not. Therefore, in the present case, the High Court held that the unobserved depreciation will be allowed to be carried forward in the subsequent year even though the return of income of the current assessment year was filed after the due date. हम एक law पढ़ेंगे. कोई भी loss डेप्रिसिएशन वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जिसने इसको इनकर किया था. यानी अगर असेसी चेंज हो जाता है तो जो नया असेसी है लॉसेस डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता. जैसे ए है, ए का लॉस है, डेप्रिसिएशन है अनअब्सॉर्ब्ड, इसका बिजनेस बी सक्सीड कर जाता है तो ये लॉस डेप्रिसिएशन बी को नहीं दिए जाएंगे. ये लॉ में लिखा है, हम पढ़ेंगे जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ेंगे. बताइए लॉ मेकर्स ने लॉ ऐसा क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि लोग अपने लॉस डेप्रिसिएशन बेच ना दें. सो एज सच लॉ ये है कि लॉस डेप्रिसिएशन कोई भी लॉस कोई भी डेप्रिसिएशन जिस असेसी ने इनकर किया था वो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, सक्सेसर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता. इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हम करेंगे, बट अभी इतना ही पढ़ लीजिए. पेज 60 पर की पॉइंट देखिए. Depreciation can be carried forward only if the assessee is the same. That is, the assessee who claimed depreciation and the assessee who wants to carry forward the depreciation must be the same. इसके कुछ exceptions पढ़ेंगे हम, जो 72A, 72AA, AB में दिए हुए हैं. ये अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे ये एक्सेप्शंस, बाद में करेंगे. इलस्ट्रेशन देखिएगा. एक फर्म को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो बताइए अनऑब्जर्व्ड लॉसेस अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्म क्या पार्टनर को दे दी जाएंगे? नो, असेसी बदल गया है. सो शैल नॉट बी अलाउड टू द पार्टनर. अगर फादर की डेथ हो जाती है और सन उसके बिजनेस को सक्सीड करता है और फादर के पास लॉसेस और डेप्रिसिएशन है तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि लॉसेस सन को मिल जाएंगे बट डेप्रिसिएशन सन को नहीं मिलेगी. एक सेक्शन 78(2) पढ़ेंगे जहां पर फादर के लॉसेस सन को दे दिए जाते हैं बट डेप्रिसिएशन जो है सिंस असेसी चेंज हो गया है चेंज असेसी को नहीं मिलेगी, सन को नहीं मिलेगी. कुछ मिसलिनियस इश्यूज, लीज हायर परचेज. बताइए लीज और हायर परचेज में क्या फर्क होता है? मालूम है हम प्रैक्टिकली दोनों को इंटरचेंजेबल मान लेते हैं बट लीज में कभी भी लीज एग्रीमेंट होगा ना उसमें लेसी को कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात नहीं होगी. कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात नहीं होगी. ऑल्दो प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं जब लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो लेसी को एसेट बेच देते हैं एट अ स्मॉल वैल्यू
और वो लीज एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। और अगर एग्रीमेंट कहता है कि आफ्टर सम इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट्स ओनरशिप आपको चली जाएगी, देन इट्स नॉट अ लीज एग्रीमेंट, देन इट्स अ हायर परचेज एग्रीमेंट। लिखिए एट द टॉप, लिखिए पेज 61। The difference between lease and hire purchase is under lease agreement, the ownership of asset shall not pass on to the lessee at any point of time। यानी लीज खत्म होने के बाद भी ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे हम। ऑल दो प्रैक्टिकली लीजिंग कंपनी जो गाड़ियां लीज करती हैं एक नॉमिनल वैल्यू पर लेसी को आखिर में बेच देती है, बट वो लीज एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता, उससे सेपरेट एग्रीमेंट करते हैं। अंडर हायर परचेस क्या होता है? एग्रीमेंट The ownership of asset shall pass on to the hirer on payment of certain number of installments। तो हायर परचेज में होता है कि अगर आप 36 मंथ्स का हायर परचेज एग्रीमेंट है, आप 18 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे तो ओनरशिप आपकी हो जाएगी, 28 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देंगे ओनरशिप आपकी हो जाएगी, 36 इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे ओनरशिप आपकी होगी, दैट्स हायर परचेज। ठीक है, लीज में क्या होगा? डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेगा, डेप्रिसिएशन लेसर क्लेम करेगा, जो लेसी उसे हर महीने वो देगा लीज रेंटल, वो उसकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। सो लेसर के केस में क्या होगा? लेसर को लीज रेंटल इनकम आ जाएगी और उस पर एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है लेसर, और जो लेसी है जो लीज रेंटल पे करता है उसका एक्सपेंस क्लेम कर जाता है। जबकि हायर परचेज में क्या होता है? जो बेचता है उसे हम वेंडर बोलते हैं, जो लेता है उसे हायरर बोलते हैं। डे वन से डेप्रिसिएशन हायरर को मिलती है, चाहे एग्रीमेंट में लिखा है कि ओनरशिप 18 इंस्टॉलमेंट्स के बाद ट्रांसफर होगी, बट डे वन से हायरर गेट्स अ डेप्रिसिएशन। तो क्या होगा? एक मिनट, सपोज एसेट है 3 लाख रुपए का और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे कर रही है 10,000 × 36 मंथ्स की, तो 360 पे करेंगे आप। ठीक है, अब हायरर जो है 3 लाख पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा और 60,000 जो है उसको एज इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करेगा ओवर 3 इयर्स। सो पहले मैं ये डिटेल प्रैक्टिकल एग्जांपल कराता था, बट सिलेबस इतना वाइड है कि पॉसिबल नहीं होता, मैंने डिलीट कर दिया इसका एग्जांपल।
सो हायरर क्या करेगा कि जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको अलग निकालेगा, कैश पोर्शन अलग निकालेगा, कैश पोर्शन रिडेम्पशन क्लेम करेगा, जो इंटरेस्ट है उसे जिस पीरियड की हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें एक्सपेंस क्लेम कर जाएगा। लीज एसेट्स, अ लेसी ऑफ प्लांट मशीनरी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन देयर ऑन एज इट डज नॉट ओन द प्लांट। अ लेसर कैन हाउएवर क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स लीज बाय हिम इफ ही इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ लीजिंग आउट द एसेट्स। एक इंपॉर्टेंट मार्क करिए नेक्स्ट पैरा। आपकी मदर है हाउसवाइफ है, आपकी मदर है हाउसवाइफ है, मैं उनसे कहता हूं कि एक गाड़ी मुझे खरीद के लीज कर दीजिए, मैं आपको लीज रेंटल पे करता रहूंगा। तो मदर के हाथ में दैट्स नॉट बिजनेस इनकम बिकॉज शी इज नॉट डूइंग बिजनेस, फॉर हर दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैन शी क्लेम डेप्रिसिएशन? यस, सेक्शन 57 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो सेक्शन 57 ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो प्रोवाइड करता है कि अगर लीज इनकम आपके हाथ में लेसर के हाथ में टैक्सेबल हो रही है एज, देखिए अगर बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो रही है तो डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में मिल जाएगा, बट अगर लीज इनकम टैक्सेबल हो रही है आपके मदर जैसे हैं उनके हाथ में अदर सोर्सेज तो भी जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं एज पर सेक्शन 32 आपको मिल जाएगा वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है सेक्शन 57 में डीलिंग विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 57 प्रोवाइड्स इफ द लेसर इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग लाइक योर मदर, लीज इनकम इज असेसेबल इन हर हैंड्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 32 विल बी अलाउड टू हर। एसेट अगर आपने हायर परचेज पे लिया है, अगर आप कैश में खरीदते तो 3 लाख का मिलता, आप 36 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं मंथली 10,000 ईच की, 360 हो गया जो आप पे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन डे 1 से हायर को मिलेगा जिसे किराए पे लिया है, और जो इंटरेस्ट पोर्शन हटा दीजिए 3 लाख पर हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, और इस 60,000 को आप इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम करेगा हायरर ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 36 मंथ्स। पढ़िएगा, वेयर द टर्म्स ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द हायर्ड एसेट शैल इवेंचुअली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द हायरर, या फिर हायरर को ऑप्शन देता है टू परचेज द एसेट। This transaction is governed by CBTT circular of 9 of 1943. तो ये ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तब ये सर्कुलर आया था, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर को 1961 में एक्ट में अडॉप्ट कर लिया था, बट इस सर्कुलर को आज भी हम बोलते हैं 9 ऑफ 1943। अकॉर्डिंगली द पीरियोडिकल पेमेंट्स मेड बाय द हायरर वुड बी ब्रोकन इंटू इंटरेस्ट चार्जेस, जो मैंने 360 पे किया उसे डिवाइड करिए इंटरेस्ट चार्जेस 60,000 इन माई एग्जाम्पल, टू बी अलाउड एज डिडक्शन टू द हायरर इन 36 मंथ्स इन माई एग्जाम्पल, एंड द पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ द एसेट 3 लाख इन माई एग्जाम्पल। डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द हायरर ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज द अमाउंट फॉर विच द हायर्ड आइटम वुड हैव बीन सोल्ड फॉर कैश एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट रुपीज 3 लाख। इसके आगे लिखिए, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू हायरर फ्रॉम डे 1 इवन इफ हायर परचेज एग्रीमेंट सेज that ownership will be transferred say after 24 months।
सो अगर लिखा है एग्रीमेंट में कहीं आपको ओनरशिप 24 महीने बाद ट्रांसफर होगी तो भी हायरर डे वन से डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। ओके एक पंच सेक्शन 38(2) पंजाब नेशनल बैंक का केस आया। पंजाब नेशनल बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बिल्डिंग थी, अभी भी है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर थी। सिर्फ इसको यूज कर रहे थे बैंकिंग बिजनेस में और ये 4 फ्लोर खाली पड़ी थी। क्या डेप्रिसिएशन, सपोज 100 करोड़ की बिल्डिंग है, ये 10% डेप्रिसिएशन, 10 करोड़, क्या पूरा 10 करोड़ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? नो, यहां बिल्डिंग सिर्फ यूज हो रही बिजनेस के लिए 1/5, 1/5, देखो डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको 10 करोड़ × 1/5। सो ये बात सेक्शन 38(2) कहता है कि अगर एसेट को आप बिजनेस में पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे, जैसे 4 फ्लोर खाली पड़ी हुई है, तो एओ प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन निकालेगा हैविंग रिगार्ड टू कि कितना एसेट बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनके पास गाड़ी होती है, तो आप देखिएगा आपका सीए क्या करता है, कार एक्सपेंसेस, कार रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ कार अराउंड 20% डिसअलाउ कर देता है। किस लिए? फॉर पर्सनल यूसेज। तो आपका क्लाइंट इंडिविजुअल है, बिजनेस कर रहा है, सिर्फ एक ही गाड़ी है, फिर तो इंप्लाइड सेंस एक ही गाड़ी है, ये गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होती होगी, उसकी वाइफ भी शॉपिंग पे जाती होगी, बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, एंड देयरफॉर पर्सनल पर्पस इन्वॉल्व है यहां पर। तो हम लोग प्रैक्टिकली खुद ही जब रिटर्न बनाते हैं, कार एक्सपेंसेस, कार रिपेयर मेंटेनेंस, कार डेप्रिसिएशन, 20%, 25% डिसअलाउ कर देते हैं फॉर पर्सनल यूसेज। दिस इज एज पर सेक्शन 38(2). देखिए, एसेट्स नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, वेयर एनी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 रिपेयर्स, 31 रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीनरी, डिडक्शन अंडर 32 डेप्रिसिएशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ फेयर प्रोपोर्शनेट पार्ट देयर ऑफ which the EU may determine having regard to use of such building, machinery, plant, furniture for the purpose of business profession. So EU dekhega kitna portion use or a business ke liye, accordingly utni hi definition allow karega. Practical life mein maine dekha hai bahut sare CAs ek galti karte aur wo galti kabhi EU point out nahi karta. Dekhiye kya galti karte. मेरी गाड़ी है 1,00,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन है 15,000, मैंने खुद डिसअलाउ किया पर्सनल यूसेज के लिए 30%, 4,500, 10,500, सो मुझे डेप्रिसिएशन अलाउ की 10,500। अब सीएस क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर की WDV लेते हैं 1,00,000 - 15,000, जो गलत है, बिकॉज आप लेस क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, एंड देयरफॉर नेक्स्ट ईयर WDV शुड बी टेकन एज 89,500। सो ये बड़ी एस्टेब्लिश पोजिशन है, इस पर हाई कोर्ट जजमेंट्स भी हैं जो ये बात अफर्म करते हैं। पेज 60
2 मैंने सब्सिडीज के चैप्टर में आपको कराया था सेक्शन 224-18 जहां लिखा था एनी वेवर ऑफ लोन इज इनकम, एनी वेवर ऑफ लोन इज इनकम, बट यहां पर यह भी लिखा हुआ था कि अगर सब्सिडी रीइंबर्समेंट वगैरह वगैरह एक्सप्लेनेशन 10 में एक्चुअल कॉस्ट से कम कर दी गई है तो इनकम नहीं मानी जाएगी। यहां एक केस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, केस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सील, जिसने 100 करोड़ के एसेट खरीदे और गवर्नमेंट ने उसे 90 करोड़ का लोन दिया था एंड लोन वॉज गिवन स्पेसिफिकली फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स। बाद में स्टील अथॉरिटी की फाइनेंशियल पोजिशन बहुत खराब हो गई तो गवर्नमेंट ने लोन वेव कर दिया। तो क्या इसे आप टैक्सेबल करेंगे 224-18 में? नो, सिंस लोन जो था एसेट के लिए दिया गया था वो लोन वेव हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरह से हम एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन में आ जाइए, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेसी रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच हैज बीन मेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन अथॉरिटी। तो हाई कोर्ट ने कहा यह माना जाएगा कि एक तरह से गवर्नमेंट ने यह कॉस्ट बियर की है एंड देयरफॉर अगर लोन एसेट के लिए दिया गया था और वो लोन वेव हो रहा है, लोन एसेट के लिए दिया गया था वो लोन वेव हो रहा है तो उसे हम यहां टैक्स नहीं करेंगे, उसे हम एक्चुअल कॉस्ट से कम कर देंगे एज पर द जजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज 62। कैन वेवर ऑफ लोन गिवन टू द असेसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द एसेट बी रिड्यूस टू अराइव एट द एक्चुअल कॉस्ट एज पर सेक्शन 43(1) फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। द दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट वेवर ऑफ लोन वुड अमाउंट टू मीटिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एज पर द मेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(1) विच स्पेल्स आउट द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। एज पर सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसेट रिड्यूस बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच हैज बीन मेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन अथॉरिटी, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, टूटीकोरिन एल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसमें क्या था असेसी का कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा था, यानी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उसने लोन्स लिए 100 करोड़ रुपए के लिए, 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए, इस वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है लेट्स से 12 करोड़। असेसी 100 करोड़ यूज नहीं कर पाया बिकॉज प्रोजेक्ट धीरे धीरे चल रहा था, बन रहा था, तो असेस ने 60 करोड़ का FDR करा दिया कि जब भी प्रोजेक्ट में जरूरत होगी FDR को इनकैश कर लूंगा, और इस FDR पर असेसी ने इंटरेस्ट अर्न किया लेट्स से 5 करोड़। कंस्ट्रक्शन पीरियड है, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, असेसी ने बैंक से लोन लिया प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ के, 40 करोड़ प्रोजेक्ट में यूज हो गया, प्रोजेक्ट बन रहा था भी, 60 करोड़ असेसी ने इसलिए FDR करा दिए
कि फंड्स आइडल पड़े हैं, इसकी एफडी करा के कुछ इंटरेस्ट कमा लेता हूं, और 12 करोड़ 100 करोड़ को उसने ब्याज दिया बैंक, और इस एफडी प्रोसेस ने 5 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया। बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन इज नॉट स्टार्टेड। असेसी क्या करता है, 12 माइनस 5 7 करोड़ को एक्चुअल कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देता है। असेसी 12 जो इंटरेस्ट पे किया माइनस जो इंटरेस्ट अर्न किया, 7 करोड़ को एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देता है। बट एओ कहता है जी 12 करोड़ तो आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है, बट ये जो 5 करोड़ है आपका, इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बिजनेस इनकम इसलिए नहीं होगी क्योंकि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ आपका। सो वेरी फेमस जजमेंट, 3 या 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, लेटली भी 2-3 टाइम पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। सो कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा है, असेसी ने जो इंटरेस्ट पे किया माइनस जो इंटरेस्ट अर्न किया, 7 करोड़ से एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिया। बट एओ कहता है 12 करोड़ एज पर पीजीबीपी चैप्टर के एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा आपका, बिफोर दैट इट इज पुट टू यूज, और 5 करोड़ आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एओ कहता है जी बिजनेस तो आपका शुरू हुआ नहीं, इसलिए इट्स नॉट बिजनेस इनकम। केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एओ ठीक कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बिजनेस शुरू हो गया होता फिर तो बात अलग थी, अगर बिजनेस शुरू हो गया होता फिर तो असेसी इस 12 करोड़ को एक्सपेंस क्लेम कर लेता और ये 5 करोड़ बिजनेस इनकम बन जाती, बट अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर एज पर सुप्रीम कोर्ट आप सेटिंग ऑफ नहीं कर सकते, लॉ परमिट नहीं करता, दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक मैं आपको इसी मॉड्यूल में अराउंड मतलब इन द चैप्टर ऑफ क्लबिंग, इस मॉड्यूल में एक कंसेप्ट कराऊंगा डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। ये होता है कि अगर मुझे कोई इनकम मिल रही है और मुझे किसी और को देनी मैंडेटरी है, जैसे कि मेरे फादर ने विल की कि उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, लेकिन फादर ने विल में लिखा ये इफेक्टिव ट्रांसफर तभी होगा जब जो रेंट आएगा मैं अपनी मदर को देता रहूंगा और नहीं दूंगा तो ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, कि मैं जो इनकम डाइवर्ट कर रहा हूं लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से डाइवर्ट कर रहा हूं। तो कोर्ट ने कहा यहां पर यह कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्या ये जो असेसी इंटरेस्ट अर्न कर रहा है 5 करोड़ का, क्या उसे ये बैंक को देना मस्ट है? नो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि यही वाला इंटरेस्ट बैंक को वापस करे, इससे तो वो कुछ भी कर सकता है। देखिएगा टूटिकोरिन एल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट मार्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर। द असेसी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन बोरोड फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द फैक्ट्रीज, सिंस सच फंड्स वर लाइंग आइडल ही इन्वेस्टेड द सेम इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, माय एग्जांपल 5 करोड़। असेसी इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम डिडक्टेड द इंटरेस्ट अर्न ऑन सच डिपॉजिट 5 करोड़ फ्रॉम प्री प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड कैपिटलाइज द बैलेंस प्री प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंटरेस्ट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट will be taxable as income from other sources under section 56. The Supreme Court turned down the plea of the assessee that interest paid by him on borrowed funds should be deducted from such
interest income. The court held that the company was at liberty to use this 5 crores interest income earned in the manner it liked. It could reinvest the interest income in shares, land, could have purchased a house property, could have declared dividend. तो यहां पर कंपनी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो इंटरेस्ट बैंक को वापस करे. इट वॉज नॉट. तो जहां लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि इनकम वापस करे तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती. हम पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम में. इट वॉज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू यूटिलाइज सच इंटरेस्ट इनकम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोड फंड्स. There was no overriding title of anybody diverting the income at source to pay the amount to the lenders of the company, that is the banks, as per Supreme Court. The interest paid during construction period is covered by chapter of PGB, and interest earned during construction period is covered by chapter of income from other sources. हाँ, Supreme Court ने कहा अगर ये सब कुछ बिजनेस कमेंस होने के बाद होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी. जो इंटरेस्ट पे करते दैट्स बिजनेस एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट अर्न करते दैट्स बिजनेस इनकम. हैड द इंटरेस्ट बीन अर्नड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देन इंटरेस्ट पेड वुड बी डिडक्टेबल अगेंस्ट द इंटरेस्ट अर्न. यानी इंटरेस्ट जो पे कर रहे होते वो आपका एक्सपेंस हो जाता, जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते बिजनेस इनकम बन जाती. But this is not the case in the present case. The interest paid during construction period has to be capitalized to the cost of the assets and cannot be allowed as deduction under section 57. देखिए, हमने depreciation जब शुरू किया तो कहा था हम करेंगे section 32(1)(2) हमने किया. Section 32(1)(2) है additional depreciation. वहां से गए थे हम 43(6) WDV ब्लॉक ऑफ एसेट्स. वहां से गए थे हम सेक्शन 50 डेप्रिशबल एसेट पे कैप गेन्स. वहां से गए थे हम सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन वेरियस केसेस. सेक्शन 32(2) सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन. सेक्शन 38(2) जहां एसेट पार्टली बिजनेस के लिए हो रहा है पार्टली पर्सनल तो डिसलाउंस करते हैं. एंड 43(a). अब हम ये करने जा रहे हैं. आइएगा पेज 187 पर. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आज इंडिया बाहर से इंपोर्ट भी करती है एक्सपोर्ट भी करती है, तो आज हर कंपनी का फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर होता है. और आज आप देखते हैं कि फॉरेन करेंसी रेट्स कितने वॉलेटाइल हो गए. डॉलर US डॉलर 67 रुपीज से सीधा 75 रुपीज जम कर गया. आपका AS 11 है, इधर इनकम टैक्स एक्ट है. अरुण जेटली साहब ने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया सिवाय एक्सेप्ट वन. अगर आप एसेट इंडिया से बाहर से खरीद रहे हैं, अगर एसेट इंडिया से बाहर से खरीद रहे हैं बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन, तो इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट ट्रीटमेंट है विच इज 43(a). यहां डिफरेंट है. सो एसेट अगर इंडिया से बाहर से खरीद रहे हैं, एसेट इंडिया से बाहर से खरीद रहे हैं बाय टेकिंग अ फॉरेन करेंसी लोन या बाहर सप्लायर क्रेडिट दे रहा है आपको, तो जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस होंगी उनका ट्रीटमेंट AS 11 में अलग है
इनकम टैक्स एक्ट में अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में 43A लगेगा। फोर्टी थ्री आपको कराने जा रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में। अगर एसेट आपने इंडिया से खरीदा बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन, 43A नहीं लगेगा। जो आप AS 11 में करते हैं वो ही लगेगा। 43A तभी लगेगा जब एसेट इंडिया से बाहर से खरीदा गया है बाय टेकिंग अ फॉरेन करेंसी लोन या फॉरेन सप्लायर ने क्रेडिट दे दिया है। अगर इंडिया से एसेट खरीद रहे हैं आप, इंडिया से एसेट खरीद रहे हैं आप बाय टेकिंग अ फॉरेन करेंसी लोन, तो 43A नहीं लगेगा। जो हम AS 11 में करते हैं वही हम इनकम टैक्स एक्ट में करेंगे। तो माइंड को बिल्कुल सेट करिए। अब हम 43A करने जा रहे हैं, बेयर एक्ट से नहीं कराऊंगा, पहले आपको सीधा एग्जांपल से कराऊंगा। देखिए, आपने यूएसए से एक एसेट लिया, मान लीजिए 1/1/19 को $100,000 का, जब डॉलर 860 रुपीज था, ठीक है, तो आपने बुक्स में 60 लाख का एसेट रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब 31 मार्च 20 को ये लोन पे लिया आपने, सो आपका बैलेंस शीट में आ रहा होगा 60 लाख का एसेट और 60 लाख की लायबिलिटी लोन। 31 मार्च 20 को $1.70 का हो जाता है और आपने कुछ पे नहीं किया। अभी AS 11 के हिसाब से क्या करते हैं, हम लायबिलिटी को 10 लाख से बढ़ा देंगे, लायबिलिटी को 10 लाख से बढ़ा देंगे और 10 लाख का आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस कर क्लेम कर लेंगे। सो जब मैंने एसेट खरीदा 1/1/20 को, मैंने $100,000 का खरीदा और फॉरेन करेंसी लोन ले लिया था $100,000, उस समय रेट था 60 रुपीज पर डॉलर, $1 $60 का था। मैंने बुक्स में एसेट रिकॉर्ड किया 60 लाख, फॉरेन करेंसी लोन रिकॉर्ड किया 60 लाख। 31 मार्च 20 को $1 इज 70 रुपीज और मैंने कुछ पेमेंट नहीं की है। आपका AS 11 कहता है कि 31 मार्च को जो लायबिलिटीज हैं फॉरेन एक्सचेंज की, उन्हें आप रीइंस्टेट करिए 31 मार्च 20 के रेट पर। सो AS 11 के हिसाब से क्या करेंगे आप, एक्सचेंज लॉस बुक करेंगे 10 लाख का, टू फॉरेन करेंसी लोन 10 लाख 31 मार्च 20 में ये करेंगे। बट इनकम टैक्स ये अलाउ नहीं करता है। इनकम टैक्स का सेक्शन 43 ये कहता है कि हम एडजस्टमेंट तब करेंगे जब एक्चुअल पेमेंट हो, यानी हम जो एक्सचेंज लॉस हो रहा है इस केस में या गेन होगा इस लॉ केस में, उसके एडजस्टमेंट तब करेंगे जब एक्चुअल पेमेंट की जाएगी। जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का। तो मैं क्या करूंगा, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाऊंगा तो 10 लाख डिसलाउ करूंगा, 10 लाख डिसलाउ करूंगा बिकॉज लॉ मुझे अलाउ नहीं करता है। 43 हम बिना पढ़े कर रहे हैं।
सपोज 30 जून 20 को मैंने $25,000 रीपे कर दिए थे एट 80 रुपीस और 31 मार्च 21 को डॉलर का रेट है $1 is 90 rupees. तो आप अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में आपने जब $25,000 पे किए होंगे तो 80 - 70 ₹10 इंटू $25,000 का लॉस बुक कर लिया होगा. और 31 मार्च 21 को आपने जो $75,000 थे उसे रीस्टेट किया होगा एट ₹90, ₹10 का लॉस बुक कर लिया होगा. बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करते. इनकम टैक्स में क्या करेंगे हम, जब जब एक्चुअल पेमेंट होगी तभी एडजस्टमेंट करेंगे. तो देखिए अभी प्रॉपरली करते हैं, प्लीज प्रॉपरली करते हैं. एसेट खरीदा मैंने $100,000 का, उस समय रेट ₹60 था. मैंने एसेट 60 पे रिकॉर्ड कर लिया, लाइबिलिटी 60 पे रिकॉर्ड कर ली. 31 मार्च 20 को डॉलर का रेट ₹70, बट मैंने पेमेंट नहीं की. एज पर AS 11 आप ₹10 × $100,000 का लॉस बुक करेंगे एक्सचेंज लॉस, बट इनकम टैक्स ये अलाउ नहीं करेगा. 43 है. इनकम टैक्स कहेगा ये हम जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब जो एक्चुअल पेमेंट पर एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, अगर लॉस है तो ब्लॉक की WDV में ऐड कर दीजिए, गेन है तो ब्लॉक की WDV से लेस कर दीजिए. सो मैंने AS 11 के हिसाब से एंट्री डाली होगी, बट जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न बनाऊंगा तो ये डिसअलाउ करूंगा. और इनकम टैक्स रिटर्न में मैं डेप्रिसिएशन 60 लाख पर ही क्लेम करूंगा नेक्स्ट ईयर. 30 जून 20 को $25,000 रीपे हो गए ₹80 के हिसाब से, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं हुई. 31 मार्च 21 को डॉलर का रेट है ₹90. AS 11 के हिसाब से क्या किया होगा आपने, 80 - 70 × $25,000 का लॉस बुक कर लिया होगा और 90 - 70 × $70,000 31 मार्च को रीइंस्टॉल करके ये लॉस क्लेम करेंगे आप. बट इनकम टैक्स ऐसा परमिट नहीं करेगा, इस सब को एड बैक कर दीजिए. लॉ कहेगा जो आपने 30 जून 20 को डॉलर पे किए, 80 के हिसाब से $25,000, सो ₹20 का डिफरेंस आ गया, ₹20 80 - 60 ₹20 इंटू $25,000 यानी ₹20 × $25,000 $500,000 का जो लॉस हुआ उसे आप ब्लॉक की WDV में ऐड कर लीजिए इन प्रीवियस ईयर 21. करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस पेज 187, यहां से मत पढ़िए, अभी आइएगा एनालिसिस में. आइए हमने बिना पढ़े सेक्शन पढ़े, सेक्शन 43 अप्लाइज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया. ये सेक्शन तभी लगेगा अगर इंडिया से बाहर से एसेट खरीद रहे हैं. और कैसे खरीद रहे हैं, बाहर लोन ले रहे हैं या फिर जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट दे रहा है कि मैं आपको 3 साल का क्रेडिट दे रहा हूं. अगर एसेट इंडिया में खरीद रहे हैं बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन, ये सेक्शन नहीं लगेगा.
जो AS11 की ट्रीटमेंट है वो ही लगेगी। इनकम टैक्स वही ट्रीटमेंट देगा जो AS11 देता है अगर इंडिया एसेट इंडिया में खरीदा गया है बाय टेकिंग अ फॉरेन करेंसी लोन। सेक्शन 43 अप्लाइज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, एक्वायर्ड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया थ्रू अ लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी और फॉरेन सप्लायर क्रेडिट। सेक्शन 43A शैल नॉट अप्लाई वेयर एसेट इज परचेज इन इंडिया थ्रू अ फॉरेन करेंसी लोन। उस केस में जो AS11 ट्रीटमेंट है वो ही लगेगी। अब लॉ कहेगा हम एडजस्टमेंट्स करेंगे WDV ऑफ ब्लॉक और एडजस्टमेंट किस साल में होंगी, जिस साल में एक्चुअल पेमेंट होगी। 31 मार्च को आप रीइंस्टेट नहीं करेंगे फॉर दिस सेक्शन। AS11 में करते हैं तो उसका इफेक्ट हटाइए, हम इनकम टैक्स में नहीं देंगे आपको। तो अगर लॉस हो रहा है पेमेंट पर, एक्चुअल पेमेंट पर, तो WDV ऑफ ब्लॉक में ऐड कर दीजिए जिस साल पेमेंट हुई। अगर एक्चुअल पेमेंट में गेन हो रहा है तो WDV से लेस कर दीजिए जिस साल पेमेंट हुई। द एडजस्टमेंट रेफर्ड इन 43 शैल बी मेड ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे उस साल एडजस्टमेंट करेंगे। पेमेंट इज मेड टू द फॉरेन सप्लायर और टू रीपे द फॉरेन करेंसी लोन। ऑल्दो AS11 के हिसाब से आप 31 मार्च को सारी लाइबिलिटीज 31 मार्च के रेट पे रीइंस्टेट कर देते हैं, बट हम इनकम टैक्स में उसे डिसरिगार्ड करेंगे, उसका इफेक्ट नलिफाई करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द एडजस्टमेंट्स रेफर्ड इन 43A शैल नॉट बी मेड इफ द फॉरेन करेंसी लोन सप्लायर्स क्रेडिट is reinstated at the rates of exchange prevailing on 31st March every year and no actual payment is made. अगर AS11 के हिसाब से आपने 31st March को reinstate कर दिया है, उसका effect nullify करिए, वो जो exchange gain या loss निकाला, उसका कोई treatment नहीं देंगे while preparing the income tax return. The adjustment referred to in 43 shall be or as under. Suppose on 30th June 19, a foreign currency loan of 1 lakh is taken. An asset is purchased from a foreign country for rupees 1 lakh dollar on that date. Us then rate of exchange hai $1.40. Now on 30th June 19, asset shall be recorded as under asset debit to foreign currency loan. 31st March 20 में कोई repayment नहीं हो रही है और exchange rate है $1.42 on 31st March 20. Assessor ने क्या किया होगा, एंट्री डाली होगी बुक्स में फॉरेक्स लॉस डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन टू लाख रुपीज एज पर AS11। बट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाएंगे प्रीवियस ईयर 20 की, उसमें ये लॉस डिसअलाउ कर देंगे और डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे ओनली ऑन ₹40 lakh। नो रीपेमेंट इज मेड इन प्रीवियस ईयर 20 एंड रेट ऑफ एक्सचेंज इज $1.42 ऑन 31st मार्च 20। हैंस एज पर सेक्शन 43 नो एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन प्रीवियस ईयर 20। Depreciation for
assessment at 2021 shall be allowed on shall be 6 lakhs, 15%. मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ली है, ऑल दो लेनी चाहिए आपको, मैंने लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर 32(1)(2)A शैल बी अलाउड बट द सेम हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन द क्वेश्चन एज्यूमिंग दैट मशीनरी इज अ ओल्ड मशीनरी. प्रीवियस ईयर 21 में लोन ऑफ $25,000 इज रीपेड ऑन 30th 11/20 और उस समय डॉलर रेट है 43 रुपीज. तो अब क्या करेंगे आप? आपने अकाउंट्स में क्या किया होगा? अकाउंट्स में आपने 42 रुपीज में बुक किया हुआ था पहले. सो 42 माइनस 43 1 रुपए इंटू 25,000 25,000 का आपने फॉरेक्स लॉस क्लेम कर लिया होगा, उसे हटा दीजिए, एड बैक कर दीजिए. अब मैंने $25,000 रीपे किए 30/11/20 को 43 के हिसाब से. सो मैंने खरीदा था जब एसेट डॉलर रेट 40 था. सो 43 माइनस 40 इंटू $25,000 75,000 रुपीज. इसे हम WDV में ऐड कर देंगे, इसे हम WDV में ऐड कर देंगे फॉर असेसमेंट या 21-22. नाउ 75,000 शैल बी एडेड टू WDV ऑफ रुपीज 34 लाख. सुप्रीम कोर्ट अभी पढ़ते हैं, एंड असेसमेंट एट 21-22 में डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे 34,75,000, इसका 15%. नाउ इन प्रीवियस ईयर 22 लोन ऑफ $50,000 इज रीपेड ऑन 31/12/21 व्हेन $1 इज 39 रुपीज. मैंने 40 रुपीज पर रिकॉग्नाइज किया था, तो 50,000 का गेन हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसे WDV से एडजस्ट करेंगे. Therefore, for assessment year 22-23, 50,000 shall be reduced from WDV of assets. Hence, depreciation for assessment 22-23 will be, जो मेरा WDV था 3475 minus 521-250 minus 50,000. Clear है? So 43A बेसिकली ये कहता है कि अगर इंडिया से बाहर से एसेट परचेज किया बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन और फॉरेन सप्लाई क्रेडिट, AS 11 नहीं फॉलो करेंगे. अगर फॉलो किया है तो उसकी सारी इंपैक्ट वाला प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी उसे नलीफाई कर दीजिए. सिंपली जिस जिस साल पेमेंट करेंगे आप एक्चुअल पेमेंट, उस साल जो गेन हो रहा है लॉस हो रहा है उसे आप WDV में ऐड करते जाइए, लॉस को ऐड करते जाइए, गेन को लेस करते जाइए, बस. क्लियर है? अब हम 43A पढ़ने जा रहे हैं. 43A कहेगा कि जिस साल एक्चुअल पेमेंट होगी उस साल जो लॉस होगा या गेन होगा, मैंने कहा WDV में एडलेस कर दीजिए, बट सेक्शन कहेगा कि एक्चुअल कॉस्ट में एडबैक एडलेस करिए. सेक्शन कहेगा कि एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना इलॉजिकल होगा, क्योंकि हो सकता है मैंने एसेट ईयर 1 में खरीदा, रीपेमेंट जो मेरी हो रही है ईयर 4 में हो रही है. अगर ईयर 4 में रीपेमेंट हो रही है और एक्चुअल कॉस्ट यह ऐड करेंगे आप, सारे सालों के डेप्रिसिएशन डिस्टर्ब हो जाएंगी. देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम यहां पर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब पढ़ते हैं WDV. तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही
कि 43A कहता है कि आप एक्सचेंज लॉस डब एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, एक्सचेंज गेन एक्चुअल कॉस्ट से कम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्चुअल कॉस्ट मतलब लीजिए WDV। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही पेज 189 पर। अरविंद मिल्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एज पर 43A इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ पेमेंट हैज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना गलत होगा, क्योंकि अगर मैंने एसेट 4 साल पहले खरीदा था, पेमेंट 4 साल बाद हो रही है, तो मैं अगर एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करूंगा तो पिछले सब सालों की डेप्रिसिएशन रिकम्प्यूट होगी, डिस्टर्ब होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज पर सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल कॉस्ट रेफर इन 43A मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड टिल डेट मीन्स द WDV मीन्स द WDV। देयरफॉर if an asset is purchased for rupees 1 lakh by taking a loan in foreign currency in previous year 20 and depreciation is allowed in assessment year 2021 21-22 15,000 12,750 respectively and in assessment year 22-23 when the payment is made there is an increase in liability by rupees 15,000। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं होता तो क्या होता, मुझे 1 लाख में 15,000 ऐड करके असेसमेंट ये 2021-22 की डेप्रिसिएशन रिकम्प्यूट करनी पड़ती। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप WDV में ऐड करिए। एंड इन असेसमेंट ईयर 22-23 व्हेन द पेमेंट इज मेड देयर इज अ इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय 15,000 देन depreciation of 2021-22 shall not be recomputed, depreciation of 22-23 will be allowed on 87-250 के निकाल में जो मेरी WDV है plus the loss on payment of forex। अच्छा 43A पढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजन कॉन्सिक्वेंशियल टू चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन असेसी हैज एक्वायर्ड एन एसेट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। ये सेक्शन तभी लगेगा जहां आपने एसेट एक्वायर किया है from a country outside India for the purpose of his business profession and in consequence of change in rate of exchange during any previous year after the acquisition of such asset there is an increase or reduction in the liability of the assessee as expressed in Indian currency। इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ कंपेयर टू द लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। यानी ये जो लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो कब देखेंगे, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट। देयर इज अ इंक्रीज और रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द असेसी as expressed in Indian currency as compared to the liability existing at the time of acquisition of the asset at the time of making the payment towards whole or part of the cost of the asset or towards repayment of whole or part of the monies borrowed by him from any person
directly, indirectly in any foreign currency, specifically for acquiring the asset, A है basically supplier credit आपका, is supplier ने credit दिया है, B है आपने, so A is foreign supplier credit, B is आपने foreign currency loan लिया है, तो जो मशीन का सप्लायर है वही आपको क्रेडिट दे रहा है, वो तो क्लॉज ए में आ जाएगा, या फिर आपने बाहर से लोन लेकर सप्लायर को पे कर दिया तो क्लॉज बी में आ जाएगा। सो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट वेयर एन असेसी हैज एक्वायर्ड एनी एसेट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया for the purpose of his business profession and in consequence of rate change in rate of exchange during any previous year after the acquisition of such asset there is a increase reduction in the liability of the assessee as expressed in Indian currency aur ye compare kaise karenge jab aapne machine khareedi thi uske rate se as compared with the liability existing at the time of acquisition of the asset और ये एडजस्टमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को या फिर फॉरेन करेंसी लोन रीपे कर रहे हैं। द अमाउंट बाय विच लायबिलिटी एज अ फोर्स इज सो इंक्रीज और रिड्यूस्ड ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर, तो जो लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई रिड्यूस हुई एंड विच इज टेकन इन टू अकाउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट irrespective of method of accounting followed by the assessee, तो आप accrual follow कर रहे हैं तो भी हम AS 11 को disregard करें। Amount by which the liability as a force is so increased reduced during such previous year and which is taken into account in at the time of making the payment, irrespective of method of accounting adopted by the assessee, shall be added to और रिड्यूस फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एस ओ 14C1। इसके आगे लिखिए WDV एज पर सुप्रीम कोर्ट इन अरविंद मिल्स लिमिटेड। ठीक है, एक मिनट लिखिए साइड में, ये लिखा ना 1 2 3, 1 2 3। 1 जो है उसमें आप डेप्रिशिएबल एसेट खरीद रहे हैं, 2 में आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीद रहे हैं, कि मैंने भी कराया नहीं आपको, मैंने सिर्फ यही कराया अभी तक आपको, और 3 में आप नॉन डेप्रिसिएबल एसेट खरीद रहे हैं, जैसे गोल्ड खरीदा आपने, गोल्ड। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ इसके बारे में बताया है, इसके बारे में अभी करेंगे। So 1 is for depreciable asset, 2 is for scientific research assets, 3 is for non-depreciable asset like gold. तो यहां तो हम ईयर ऑफ पेमेंट में WDV से एडजस्टमेंट करेंगे 2। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर रेफर्ड इन 3514। तो क्या होता है, जिस साल आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट परचेज करते हैं तो जितने का आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट परचेज किया पूरे अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे एग्जांपल लिखिए, नंबर 2 पे एग्जांपल लिखिए,
नंबर टू पे स्टार लगा दीजिए, एग्जांपल लिखिए। अ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज परचेज्ड फ्रॉम यूएसए इन प्रीवियस ईयर 20 फॉर $1 लाख और उसमें रेट था $1.70। Repayment of $1 lakh made in previous year 22 at the rate of ₹72. तो क्या करेंगे आप? प्रीवियस ईयर 20 में आपको सेक्शन 3514 करेंगे हम, उसमें पूरी डिडक्शन मिल जाएगी 70 लाख रुपीस की। तो जिस साल आप साइंटिफिक रिसर्च एसेट परचेज करते हैं उस साल पूरी की पूरी कॉस्ट आपको अलाउ जाती है। और 43 के सबसे क्या होगा, प्रीवियस ईयर 21 में मुझे 3514 में डिडक्शन मिलेगी कितनी, 70 माइनस 72 इंटू $1 लाख ₹2 लाख। क्लियर है? सो क्लॉज वन है, अगर आपने डेप्रिसिएशन खरीदा तो जिस साल पेमेंट होगी एक्चुअल WDV में ऐड कर दीजिए, लेस कर दीजिए। अगर साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा जिस साल पेमेंट होगी उस साल में फ्लक्चुएशन लॉस अलाउ हो जाएगा एज 3514 डिडक्शन। थ्री पर भी एग्जांपल लिख लीजिए, द टॉप थ्री पर डबल स्टार लगा के एग्जाम्पल एट द टॉप लिख लीजिए। A SESI purchased gold from Dubai for $1 lakh on 1/1/20 when $1 is equal to ₹70. By taking loan from Dubai, he repays loan of $1 lakh on 1/1/22 72 के हिसाब से। पढ़िएगा आप। तो लॉ कह रहा है जो गेन हुआ लॉस हुआ वो सब किसमें से एडजस्ट करिए, क्लॉज थ्री कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट। तो अब गोल्ड की मेरी कॉस्ट हो जाएगी 72 लाख। तो जब मैं गोल्ड बेचूंगा मेरी कॉस्ट होगी 72 लाख। I hope the section is clear to you.
सो जब आपने एक्चुअल पेमेंट की, जो लॉस हुआ गेन हुआ उसे आप एडजस्ट करिए फ्रॉम डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स डिफरेंस को क्लेम कर लीजिए साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इन द ईयर ऑफ पेमेंट, या फिर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐड कर दीजिए. नेक्स्ट पेज, एंड द अमाउंट अराइव्ड एट आफ्टर सच एडिशन रिडक्शन शैल बी टेकन टू बी द डब्ल्यूडीवी एक्चुअल कॉस्ट की जगह अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट एज द केस मे बी. पहली एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखिए कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसीज बहुत वॉलेटाइल है. जैसे कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, एक कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, वहां की करेंसी एक दिन में 50% डेप्रिशिएट कर जाती है. तो जो इंडियंस हैं ऐसी कंट्री से डील करने से डरते हैं, ठीक है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि इन कंट्री से हमारा ट्रेड हो ताकि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बने रहें, बट इंडस्ट्री वाले डरते हैं कि इनकी करेंसी बहुत वॉलेटाइल है और अगर हमने इनसे डील कर लिया हमें हैवी फ्लक्चुएशन लॉस हो जाएंगे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है कि आप चेकोस्लोवाकिया से डील करिए, यहां से मशीन खरीदिए और कोई भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगी. कोई भी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस होगा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी, या फिर 90% ऑफ द एक्सचेंज लॉस गवर्नमेंट बियर करेगी. तो बताइए इस केस में क्या होना चाहिए. लॉ आगे कहेगा कि अगर गवर्नमेंट या कोई और पर्सन आपका ये लॉस बियर कर रहा है तो जितना लॉस वो बियर कर रहा है वो आप डब्ल्यूडीवी एक्चुअल कॉस्ट वगैरह में ऐड नहीं करेंगे. पढ़िए एक्सप्लेनेशन. वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द लायबिलिटी अफोर्सेड इज मेट नॉट बाय द असेसी, तो जो फ्लक्चुएशन लॉस हो रहा है इट इज नॉट मेट बाय द असेसी बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई और अदर पर्सन अथॉरिटी बियर कर रहा है, द लायबिलिटी सो मेट शैल नॉट बी टेकन इन अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन. तो जो लायबिलिटी गवर्नमेंट बियर कर रही है वो आपका तो लॉस है नहीं, इसलिए उसे डब्ल्यूडी मेट एडजस्ट नहीं करेंगे. एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड क्या होता है, देखिए आज आपने बाहर से एक मशीन खरीदी, आज 1/1/21 को आपने $100,000 की मशीन खरीदी व्हेन डॉलर रेट इज $1.70. आपको लोन रीपे करना है, ये लोन रीपे करना है लेट से 31 मार्च 2022 को. अब आपको डर है कि कहीं डॉलर का रेट 100 रुपए ना पहुंच जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दिन एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर ले सकते हैं. सो कोई भी बैंक के पास जाइए जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, वो आपको कवर दे देगा 1/1/21 को कि $100,000 आप हमसे ले सकते हैं एट ₹73, $100,000 आप हमसे ले सकते हैं एट ₹73. यानी आप डॉलर का रेट 60 चला जाए 80 चला जाए आपको 73 में ही मिलेगा. ये होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर. इससे मेरी लायबिलिटी फ्रीज हो जाती है.
तो अब डॉलर का रेट कितना भी चला जाए, 70 चला जाए, 60 चला जाए, 80 चला जाए, मुझे तो पेमेंट करनी है एट 73। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स कवर होते हैं, आप बैंक से ले सकते हैं। जब बैंक आपको कमिट करेगा कि हम 1 लाख डॉलर्स आपको देंगे एट 73 रुपीज, बैंक आपसे कोई कमीशन नहीं लेता, अपनी कमीशन इस रेट में ऐड कर लेता है। इस कवर को इश्यू करने के लिए बैंक कोई कमीशन नहीं लेता, इसी में अपने चार्जेस ऐड कर लेता है 73 रुपीज में। सो अगर आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर ले लिया, ठीक है, और जब आप पेमेंट करें 31 मार्च 22 को, उस दिन रेट 90 रुपीज है, तो बताइए इंक्रीज डिक्रीज इन लाइब्रेरी किस हिसाब से निकालेंगे आप? 73 के हिसाब से निकालेंगे, बिकॉज मुझे तो पेमेंट 73 के हिसाब से करनी है। ये बात क्लैरिफाई की गई इस एक्सप्लेनेशन में। वेयर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद अ स्पेसिफाइड सम इन फॉरेन करेंसी ऑन और आफ्टर अ स्टिपुलेटेड फ्यूचर डेट एट द रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट 73 रुपीज इन माय एग्जांपल to enable him to meet the whole of the part of the liability aforesaid, the amount if any to be added to or deducted from the actual cost of the asset, the amount of expenditure of capital nature, cost of acquisition of capital asset, shall in respect of some special the contract as is available for discharging the liability aforesaid be computed with reference to the rate of exchange specified there. तो अब जो इंक्रीज एंड डिक्रीज लाइब्रेरी निकालेंगे, दैट बी एज पर द कवर रेट गिवन इन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर। दोबारा पढ़िए, वेयर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑथराइज्ड डीलर फॉर प्रोवाइडिंग हिम स्पेसिफाइड सम 1 लाख डॉलर इन फॉरेन करेंसी ऑन और आफ्टर स्टिपुलेटेड फ्यूचर डेट एट रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट 73 रुपीज टू इनेबल हिम टू मीट द होल ऑफ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी अफोरसेड। अब जो आप अमाउंट निकालेंगे टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वो कंप्यूट करेंगे विद रेफरेंस टू द रेट ऑफ एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द कवर। अब देखिए 31 मार्च 21 को कोई रीपेमेंट नहीं हो रही है, कवर है भी, तो आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट होता है जिस साल पेमेंट होता है, लिखवाता हूं आपको। सो द लायबिलिटी शैल बी कंप्यूटेड एज पर द एक्सचेंज रेट गिवन इन द फॉरवर्ड कवर इन द ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। तो यहां 21 को कोई पेमेंट नहीं हो रही है तो कुछ नहीं करेंगे। जब 31 मार्च 22 को रीपेमेंट करेंगे आप, उस दिन रेट 90 है, बट आप कवर रेट लेंगे 73, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हैं एस 73 के हिसाब से। लिखिएगा एक्सप्रेशन क्या आगे लिखिए, द इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटी शैल बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द रेट गिवन इन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड। तो आप कवर लिया भी है तो जिस साल पेमेंट होगी ना,
उसी साल इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालेंगे, बट जिस दिन पेमेंट की उस दिन का रेट इरेलेवेंट है, यू विल टेक द रेट गिवन इन द कवर, बिकॉज आपको तो पेमेंट कवर के हिसाब से करनी पड़ रही है. सो इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटी शैल बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द रेट गिवन इन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर इन द प्रीवियस ईयर इन विच एक्चुअल पेमेंट इज मेड. चलिए बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं. VG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vglti.com. Hi, this is Neha. She is about to complete school and wants to make a head start in her career. She knows that only graduation will not give her an edge. She only knows about the traditional options such as BCom, MBA, BBA, CA. But she doesn't want that. She is looking for something that gives her a professional advantage in the future. A professional qualification with a global value. That's when she discovers ACCA. A globally recognized qualification of certified accountants, recognized in over 181 countries. She thought it must be expensive. But thanks to VG Learning for providing affordable coaching, scholarship and guidance to students if you wish to choose the best career option for your child. Giving two international qualifications without a visa. Call now to speak to a counselor. Can you please start the class? Ek issue aur uthta hai. Maine ek forward exchange rate cover liya. फॉर सिक्योरिंग अ लोन जो मैंने बाहर से लिया था फॉर एक्वायरिंग एसेट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैंसिल कर दिया. कैंसिल कर सकते हैं आप. उससे जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? उसे ब्लॉक में एडजस्ट नहीं करेंगे. जो प्रॉफिट लॉस होगा कैंसिलेशन पर दैट इज बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंडिचर. ये एडजस्टमेंट दो बार एग्जाम में आ चुकी है आपको. पेज 188 पर टॉप पर लिखिए. द प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर प्रॉफिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर टेकन फॉर फॉरेन लोन टेकन फॉर
buying assets from outside India. So profit loss on the cancellation of forward exchange rate cover, जो cover लिया था आपने for foreign loan taken for buying assets from outside India, is business income oblique business expenditure. The said profit loss shall not be adjusted from WDV of block. So, दो बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो एग्जामिनर ने डेबिट किया हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो आपने लिखना था इसमें कि डेबिट सही किया हुआ है, एक्सपेंस माना जाएगा एंड हेंस नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. So, आज सपोज 1/1/2022 है, एक डॉलर का रेट 70 रुपीज है, मेरी 1 लाख डॉलर की लाइबिलिटी है, मैं कवर लेता हूं बैंक से फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर, मुझे बैंक 73 रुपीज पर देता है. मतलब अब डॉलर का रेट 60 हो जाए 80 हो जाए, मुझे 73 पे ही मिलेगा, लेना पड़ेगा. बैंक मुझसे कुछ कमीशन नहीं चार्ज करता बिकॉज वो इस रेट में अपनी कमीशन इंक्लूड कर लेता है. बट प्रैक्टिकली कवर आपको मिलता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कवर मिलता है. और इस कवर को आप रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको एक रिन्यूअल प्रीमियम देना पड़ता है, जिसे कहते हैं रोल ओवर चार्जेस. तो मैंने 73 का कवर लिया, वैलिड है 6 मंथ्स के लिए, मुझे अभी इनिशियली कुछ नहीं देना पड़ता बिकॉज बैंक अपनी कमीशन इसमें ऐड कर लेता है. बट अगर मैं 6 महीने बाद इस कवर को रिन्यू कराना चाहता हूं एट द सेम रेट 73, तो मुझे बैंक को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है विच इज कॉल्ड रोल ओवर चार्जेस. अब रोल ओवर चार्जेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोल ओवर चार्जेस को आप ब्लॉक में ही एडजस्ट करेंगे. सो रोल ओवर चार्जेस आप ब्लॉक में ही WDV में ऐड करेंगे. ऑन पेज 190, पेज 190, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट, रोल ओवर प्रीमियम चार्जेस पेड बाय द सेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर कॉन्ट्रैक्ट्स relating to foreign currency loan taken by the assessee to acquire assets from outside India shall be added to the block of assets as per section 43A. जो मैंने लोन लिए इंडिया से बाहर से for acquiring assets from outside India, उसके लिए treatment 43A में है, which is different from AS11. इसके अलावा जो भी मेरे फॉरेक्स गेन लॉसेस होते हैं, इसके अलावा वो AS11 को इनकम टैक्स सेम होता है ट्रीटमेंट. जैसे आपके जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल है, आपने बाहर एक्सपोर्ट्स की, बाहर से पैसा आना है, बाहर आपका बैंक अकाउंट उसे पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या करते हैं AS11 के हिसाब से सारे अमाउंट्स रिसीवेबल को हम 31 मार्च 2022 के एक्सचेंज रेट पे कवर करते हैं. जो गेन होता है उसे इनकम मान लेते हैं, लॉस को एक्सपेंडिचर मान लेते हैं,
सेम ट्रीटमेंट इनकम टैक्स पे भी है। इसी तरह जो मेरा अकाउंट्स पेबल है, मैंने बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, कुछ पेमेंट्स मुझे देनी है बाहर, तो 31 मार्च 2022 का जो एक्सचेंज रेट है बैलेंस शीट वाले दिन, उस पर हम कन्वर्ट करते हैं, गेन होता है टैक्सेबल हो जाता है इनकम मानते हैं, लॉस होता है एक्सपेंस मानते हैं, इनकम टैक्स भी सेम ट्रीटमेंट देता है। एक मिनट देखिएगा, पेज 187, ये कह रहे आपने इंडिया से बाहर से एसेट लिया, फॉरेन करेंसी लोन लिया या फॉरेन सप्लाई क्रेडिट लिया, जब आपने एक्चुअल पेमेंट की इंक्रीज इन डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट पेमेंट आप फॉरेन सप्लाई क्रेडिट को पे कर रहे हैं या फिर टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ द मनी इज बोरोड बाय हिम फ्रॉम एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन एनी फॉरेन करेंसी स्पेसिफिकली फॉर पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द एसेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है? आपने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था कि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता, उस दिन तक का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, पेज 189 पर आइए, लिखिए यहां पर एसेट परचेज्ड फ्रॉम यूएसए ऑन 1/4/2021 एसेट परचेज फ्रॉम यूएस ऑन 1/4/21 $1,00,000 $1,00,000 आपने लोन लिया 1/4/21 को $1,00,000 लोन है 12% पर एनम का, लोन है 12% पर एनम का और इस दिन रेट है $1.70। मैंने एसेट को पुट टू यूज किया 1/7/2021 को, मैंने एसेट को पुट टू यूज किया 1/7/2021 को, अब क्या होगा? जो इंटरेस्ट अप टू द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, यानी कि 30 जून तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, 30 जून तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे, मान लीजिए उस दिन रेट है डॉलर का $72,
और 1/7/21 से 31 मार्च 2022 इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस क्लेम करेंगे। इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस क्लेम करेंगे सो एसेट परचेज किया मैंने यूएस से 1421 $1,00,000 का लोन लिया 1421 को $1,00,000 का वजन रेट डॉलर का 70 रुपीज। 30/6/21 एसेट पुट यूज हुआ 1721 को तो 30/6/21 तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। मान लीजिए 30/6/21 को डॉलर का रेट 72 रुपए है 72 रुपीज और 1/7/21 से 31/3/22 का इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे। अब मान लीजिए लोन एंड इंटरेस्ट नॉट पेड ऑन 31 मार्च 2022 पे नहीं किया और उस दिन रेट है $1 इज 75 रुपीज। ठीक है तो देखिए 9 महीने का इंटरेस्ट हो गया $9,000। तो यहां $9,000 को 75 के हिसाब से लेंगे हम, ये मेरा अलाउड एक्सपेंस हो जाएगा। इस पे 43 नहीं लगेगा बिकॉज 43 लगता है एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा। और यहां मेरी ब्लॉक में एडिशन करेंगे एक तो 70 लाख रुपए और इंटरेस्ट का $3,000 इंटू 72 रुपीज के हिसाब से यहां 43 लग जाएगा। जब एक्चुअल पेमेंट होगी तो एक्सचेंज डिफरेंसेस एडजस्ट होंगे WDV से। देखिए एक बार एसेट पुट टू यूज हो गया उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मेरा $9,000 है उस पर AS-11 के हिसाब से 31 मार्च 2022 का रेट लेके मुझे एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा या फॉरेक्स का जो भी है वो अलाउ हो जाएगा। यहां पर सिंस पेमेंट नहीं हुई है तो हम 31 मार्च 2022 का रेट नहीं यूज करेंगे, जिस दिन ट्रांजैक्शन की गई तो उसका रेट यूज करेंगे। जिस दिन एसेट परचेज किया 70 रुपए के भाव 70 लाख 3 महीने का इंटरेस्ट 30/6/21 तक उस दिन रेट था 72 रुपए वो ले लिया हमने, इसे अब हम 31 मार्च 2022 के रेट पे कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज 43A कहता है कि जब पेमेंट होगी तब आप एक्सचेंज डिफरेंसेस को WDV में एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? आइएगा पेज 190 पर सेक्शन 43AA। सिर्फ ये सेक्शन ये कहेगा कि जो 43A है उसके अलावा जितने एक्सचेंज डिफरेंसेस होंगे वो आप ICDS के हिसाब से निकालेंगे और ICDS बिल्कुल सेम कर दिया जो AS-11 है मेरा। टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस सब्जेक्ट टू सेक्शन 43A, यानी जहां 43A है वो आप प्रिवेल करेगा 43A। एनी गेन और लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम और लॉस एज द केस में बी एंड सच गेन लॉस शैल बी कंप्यूटेड
in accordance with ICDS. The gain loss on account of effect of change in foreign exchange rate shall be in respect of all foreign currency transactions, including those relating to monetary non-monetary items, transaction of financial statements of foreign operations, forward exchange rate contracts, foreign currency translation reserve. छोड़िए सर, ICDS. ICDS में जो आपने मैं करा रहा हूं उसको मार्क करते जाइए, बाकी छोड़ दीजिएगा. डेफिनेशन मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या होता है? मनी इज हेल्ड एन एसेट टू बी रिसीव्ड, लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनेटरी आइटम्स. सो मॉनेटरी आइटम्स होता है एक तो मनी, बैंक बैलेंस, और जो एसेट मुझे रिसीव होने हैं कैश में, जैसे कि एक्सपोर्ट का पैसा आना है, और लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, फुल स्टॉप. कैश, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी आइटम्स. मेरा फ्लैट है सिंगापुर में, क्या वो मॉनेटरी आइटम है? नो, बिकॉज मॉनेटरी आइटम वो है जो रिसीव होता है मुझे इन मनी. सो आर मनी इज हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड, लाइबिलिटीज टू बी पेड इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, फुल स्टॉप. कैश कॉमा रिसीवेबल्स, पेबल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनेटरी आइटम्स. नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अदर देन मॉनेटरी आइटम्स. फिक्स एसेट्स, inventories, investments and equity shares are examples of non-monetary items. So bahar ki country mein meri inventory hai, bahar ki country mein meri fixed assets hai, like flat in Singapore, equity shares mein investments wagaira hai bahar, to wo non-monetary items hai. So definition karni hai aapne, ye mark kar lijiye. इसका वन करना है, वन. अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग टू द फॉरेन करेंसी अमाउंट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, सेल की, परचेज की, एसेट परचेज किया, सिंगापुर में फ्लैट परचेज किया, जिस दिन आपने परचेज किया है, सेल किया है, उस दिन जो रेट है उस पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करिए. सिर्फ सबसेक्शन वन करता है, टू छोड़ दीजिए. फोर का ए और सी करेंगे, अब बी छोड़ दीजिए. आप जितने भी मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको कन्वर्ट करिए 31st March 2022 के क्लोजिंग रेट पर. सो एट द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग रेट. तो जो क्लोजिंग डेट है 31st March को वो यूज कर कन्वर्ट करिए आप. अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंसेस, कैश इन हैंड बाहर, उन सबको कन्वर्ट करिए. नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे आप. जिस रेट पे खरीदे थे उसी पर रिकॉर्डेड रहेंगे. नॉन मॉनेटरी आइटम्स इन फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इन टू रिपोर्टिंग करेंसी बाई यूजिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन. तो जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन की थी उस दिन के रेट पर रहेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे.
5 इंपॉर्टेंट मार्क करिए इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स, सॉरी मॉनेटरी आइटम्स, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट देयर ऑफ या फिर कन्वर्जन देयर फ्रॉम द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसे आप इनकम मानेंगे अगर गेन है, एक्सपेंस मानेंगे अगर लॉस है. इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन कन्वर्जन देयर फ्रॉम द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इनकम और एक्सपेंस ऑफ दैट प्रीवियस ईयर. मेरा सिंगापुर में एक फ्लैट है, ठीक है, मैंने लिया था मान लीजिए $10 लाख का. उस समय सिंगापुर डॉलर का रेट था ₹50. मैंने 5 करोड़ पे लिखा हुआ होगा. अब 31 मार्च 2022 को डॉलर का रेट हो गया ₹48 और मैं इस फ्लैट को अब 480 पे कन्वर्ट कर देता हूं और 20 लाख का लॉस बुक कर जाता हूं. दिखाता हूं 20 लाख मेरा एक्सचेंज लॉस है. क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे. सपोज डॉलर का रेट 58 हो जाता है और मैं 80 लाख रुपीस इनकम रिकॉग्नाइज कर लेता हूं तो इनकम टैक्सेबल नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हटा दीजिए. तो बड़ा क्लियर है लॉ. सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स 31 मार्च 2022 को कन्वर्ट किए जाएंगे. कन्वर्शन से जो गेन आ रहा है इट्स बिजनेस इनकम, लॉस आ रहा है इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे आप. जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की थी उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च 2022 में कन्वर्ट नहीं करेंगे. आई थिंक AS 11 भी बोलता है. और गलती से अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो उसका गेन टैक्सेबल नहीं होगा, लॉस एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा. 5 इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट, जब आप पे कर देते हैं, और कन्वर्जन देयर ऑफ ऑन द लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसे आप इनकम मानेंगे गेन है तो, लॉस है तो एक्सपेंस मानेंगे. नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे. अगर कन्वर्ट किया आपने तो जो गेन है नॉन टैक्सेबल है, लॉस एक्सपेंस नहीं है. एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन है 43A. सो 43A में हम 43A के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, 31 मार्च 22 के रेट को इग्नोर करेंगे. बस इतना करिए और इसके बाद एनालिसिस में आ जाइए. एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, पेज 192. एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया बाय टेकिंग अ लोन इन फॉरेन करेंसी या फिर टेकिंग सप्लायर्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर आउटसाइड इंडिया या लोन पर इंटरेस्ट है अप टू द डेट द एसेट इज फर्स्ट पुट टू यूज. तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई मेरी. 31 मार्च 22 पे कन्वर्ट नहीं करेंगे हम. अगर कन्वर्ट किया है तो एक्सचेंज लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, गेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. हम जिस साल में एक्चुअल पेमेंट होगी उस साल में जो एक्चुअल पेमेंट हुई विज़ाविज़ जो मैंने रेट बुक किया था एट द टाइम ऑफ बुकिंग, उसका जो डिफरेंस है अगर गेन है WDV से लेस कर देंगे, लॉस है WDV में ऐड कर देंगे. सो ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड एट द फॉरेन एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन आपने लोन लिया, सप्लायर क्रेडिट लिया या इंटरेस्ट एक्रू हुआ. जैसे मैंने एग्जांपल में 30 जून को इंटरेस्ट एक्रू किया था तो 30 जून को ₹72 रेट था, उस पर बुक किया था.
इनको 31 मार्च पे ट्रांसलेट नहीं करेंगे। कर लिया है आपने तो क्या करेंगे? तो यहां AS 11 से डिफरेंट है ये। इफ द अबव आर ट्रांसलेटेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन 31 मार्च देन नो ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू एक्सचेंज गेन लॉस द इंपैक्ट ऑफ सेम इज टू बी नलिफाइड फ्रॉम प्रॉफिट लॉस अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सो बड़ा फेवरेट एडजस्टमेंट मिलेगा आपको पास्ट के क्वेश्चन में कि आपने बाहर से एसेट खरीदा था $100,000 का, ₹70 पर बुक किया था आपने, 31 मार्च 2022 को डॉलर का रेट ₹72 है, असेसी ने AS 11 के हिसाब से ₹2,00,000 एक्सचेंज लॉस बुक कर दिया है। तो आप क्या करेंगे? रिटर्न बनाते वक्त इसको आप डिसअलाउ करेंगे और लिखेंगे टू बी गिवन ट्रीटमेंट अंडर 43A व्हेन एक्चुअल पेमेंट विल बी मेड। The exchange difference arising on actual payment of the above, actual payment अभी तो हम उसे loss है तो add करेंगे WDV में, gain है तो subtract करेंगे WDV से। अगर आपने forward exchange rate cover लिया हुआ है, no treatment required for forward exchange rate cover, the exchange rate fluctuation at the time of actual payment shall be computed with reference to rate given in the cover and the exchange rate difference to be added subtracted from the block of assets, monetary items. Monetary items होते हैं money is held and assets to be received, liabilities to be paid in fixed or determinable amount of monies. Examples, बड़े exhaustive list बनाई है मैंने। आपने बाहर export की, debtors से पैसा आना है, आपने बाहर से इंपोर्ट की, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, आपने लोन लिया फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सप्लायर क्रेडिट फॉर परचेजिंग एसेट इन इंडिया, इसका ट्रीटमेंट AS 11 के हिसाब से होगा। यानी 31 मार्च 2022 के रेट पे कन्वर्ट करेंगे लायबिलिटी को और जो गेन है इनकम है, लॉस है एक्सपेंस। सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। So loan taken in foreign currency or suppliers credit for purchasing assets in India, any other amount receivable in foreign currency, any other amount payable in foreign currency except loan or suppliers credit for assets purchased outside India covered by 43A, cash and bank balances abroad, amount receivable payable from foreign branch, foreign subsidy or any other person, money is kept in foreign accounts ऑन अकाउंट ऑफ इशू ऑफ GDRs, ADRs, FCCB, तो जो बाहर आपने पैसा रखा हुआ है क्या करेंगे आप? इनिशियली जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उस दिन के रेट पर रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च को जो रेट है उस पर रीइंस्टेट करेंगे एंड फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस टू बी रिकॉर्डेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। If settlement takes place during the previous year, profit loss on account of exchange fluctuations will be treated as business income, allowed as business expense. If not settled, convert them on exchange rate prevailing on the last of the previous year. Profit loss on account of conversion on the last of the previous year is business income, business loss, business expense. Non-monetary items. नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आप कन्वर्ट नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन्वेंटरी, एक्सेप्ट इन्वेंटरी। इन्वेंटरी को आप वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अभी देखते हैं। सो नॉन मॉनेटरी आइटम्स are the assets and liabilities other than monetary items, fixed assets, inventories, investment and equity shares outside India are example of non-monetary items.
नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आप 31 मार्च 2022 पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट किया है तो जो लॉस है उसे डिसअलाउ करेंगे, गेन है उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट इन्वेंटरी। ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड एट फॉरन एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी आइटम्स शैल नॉट बी कन्वर्टेड एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट इन्वेंटरी। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स को आपने कन्वर्ट किया एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर तो जो गेन है उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, जो लॉस आ रहा है उसे एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को हम वैल्यू करते हैं 31 मार्च को, लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। थर्टी फर्स्ट मार्च 22 को चाइना ने यूएसए पर अटैक कर दिया। एग्जाम्पल ले लो, चाइना ने यूएस पर अटैक कर दिया और जो प्राइसेस है इन्वेंट्रीज के वो 70-80% डाउन हो गए। आपने देखा जब कोविड की पहली लहर आई थी, तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश किए थे, वर्ल्ड वाइड कॉमोडिटीज क्रैश की थी। तो क्या हुआ, 30th मार्च को चाइना ने यूएस पे अटैक कर दिया, इस वजह से पूरा सेंटिमेंट खराब हो गया, वर्ल्ड वाइड प्राइसेस 70-80% नीचे आ गए। तो यहां देखिए 31 मार्च 22 को रेट अनरियलिस्टिक है। तो इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर इस दिन अनरियलिस्टिक रेट है तो वो मत लीजिए, कुछ दिन पहले के ले लीजिए, कुछ दिन आगे के ले लीजिए जो रियलिस्टिक रेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेंट्रीज कैरी करते हैं आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी शैल बी, अच्छा हम एनआरवी कुछ दिन का लेंगे 31 मार्च का, शैल बी वैल्यूड यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट व्हेन एनआरवी वाज डिटरमिन्ड। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्रीज इन फॉरेन कंट्री आर वैल्यूड ऑन 31 मार्च 22 ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी प्रिवेलिंग ऑन 5th अप्रैल क्योंकि उस दिन रियलिस्टिक रेट थे। तो 25 मार्च जो 5 अप्रैल को जो एक्सचेंज रेट है हम उसको लेके एनआरवी कन्वर्ट करेंगे और जो गेन होगा लॉस होगा उसको हम बिजनेस एक्सपेंस बिजनेस गेन मान। इसी तरह फॉरेन ब्रांच के ऑपरेशंस हैं उसे आप 31 मार्च 22 के रेट पर कन्वर्ट करेंगे, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम भी इस तरह से डील करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जितना मैंने आपको करा दिया काफी है, बाकी छोड़ दीजिए, कुछ होगा तो मैं आगे करा दूंगा। एग्जामिनर लेंदी क्वेश्चंस देता है, 4-5 क्लास के बाद वो क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे आप, अभी कर नहीं सकते बिकॉज एग्जामिनर बड़े सारे कंसेप्ट मिक्स करता है। वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आ रहा है 500 लाख और इस प्रॉफिट को निकालने के लिए फॉलोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स हैव बीन मेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट आपका यूएसए में बैंक बैलेंस है $1,00,000, जब आपने रिकॉर्ड किया बुक्स में रेट था 70 रुपीज, आपने 70 लाख में रिकॉर्ड किया हुआ है,
तो यूएसए में आपके $100,000 है, आपने इंडिया की बुक्स में 70 लाख पर रिकॉर्ड किया हो, क्योंकि जब पैसा यूएस में आया था उस दिन रेट 70 था, और 31 मार्च 2022 को ये रेट 73 हो गया था डॉलर का। इसलिए असेसी ने बैंक बैलेंस 3 लाख से बढ़ा दिया, बैंक बैलेंस 3 लाख से बढ़ा दिया और गेन 3 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम को आप कन्वर्ट करते हैं 31 मार्च 2022 के रेट पर। आईसीडीएस ये बोलता है 43AA कहता है, हम आईसीडीएस फॉलो करते हैं। और जो गेन हुआ दैट इज बिजनेस इनकम, सिंस असेसी ने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रिएट किया हुआ है, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। असेसी का सिंगापुर में फ्लैट है जो उसने $200,000 का खरीदा था, बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ ₹50 पर डॉलर के हिसाब से, 2,10,000 में रिकॉर्ड किया हुआ है। 31 मार्च 2022 को सिंगापुर डॉलर का रेट हो गया 48 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज से डिफरेंस गया, 2 रुपीज इंटू $2,00,000। असेसी ने फ्लैट को रीइंस्टेट किया 48 लाख पर, ठीक है, और 2 लाख का वो एक्सचेंज लॉस डेबिट कर गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? लिखेंगे ये 2 लाख अलाउबल नहीं है। सिंगापुर फ्लैट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम को आप 31 मार्च 2022 के रेट पे स्टेट नहीं करते। असल ने स्टेट किया हुआ है तो जो एक्सचेंज गेन या लॉस है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिंस असल ने 2 लाख एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, इट हैज टू बी डिसलाउड एंड हैंस हेडेड बैक टू द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट फिगर इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू अराइव एट द रिटर्न इनकम। यूएसए में असेसी की इन्वेंट्री है, कॉस्ट है $100,000, एनआरवी है $90,000। ये रिकॉर्डेड है 70 रुपीज। और 31 मार्च 2022 को डॉलर का रेट है 71 रुपीज, यानी बुक्स में कॉस्ट आ रही है 70 लाख, एनआरवी आ गई मेरी 31 मार्च 2022 को 9 × 9 = 67, इतनी। सो असेसी ने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया इस अमाउंट पर, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, असेसी बिल्कुल ठीक है। लॉ कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सेप्ट इन्वेंट्री, अगर एनआरवी ले रहे हैं आप तो 31 मार्च 2022 को जो रेट है उस पर कन्वर्ट करेंगे, एंड हैंस असेसी ने क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू किया हुआ है, हैंस नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली इस तरह की एडजस्टमेंट्स एग्जाम में आती हैं, वंस वी फिनिश अनदर 5-6 लेक्चर्स यू विल बी इन अ पोजिशन टू अप्लाई द कंसेप्ट्स टू वेरियस सिचुएशंस। अच्छा, मेरी एक फॉरेन ब्रांच है, मेरी एक फॉरेन ब्रांच है, सेल्स हुई
परचेज हुई, एक्सपेंसेस हुए सारे डॉलर्स में, ठीक है। अब मैं इन सब को कैसे कन्वर्ट करूं इंडियन करेंसी में? देखिए, आपका प्रॉफिट तो डॉलर में आएगा, प्रॉफिट डॉलर में आएगा, तो क्या करिए, सब पर 31 मार्च 2022 का रेट लगा दीजिए, इन सब पर 31 मार्च 2022 का रेट लगा दीजिए, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी मेरा 31 मार्च 2022 के हिसाब से निकल जाएगा रेट के हिसाब से, और उस प्रॉफिट को आप इंडियन प्रॉफिट लॉस को में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए अगर ये प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, आज यहीं पर रुकते हैं, बिकॉज कुछ और नया कराऊंगा तो मिक्सिंग हो जाएगी। लेट्स नॉट मिक्स अप द कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। विल स्टॉप हियर।